बसा था एक सुंदर सा गांव अजबगढ़। उसी गांव में रहता था योगेश। योगेश बढ़ाई का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का पिंटू और एक लड़की पिंकी। पिंटू और पिंकी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे और अक्सर माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। पिंकी, अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी ये बातें उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पिंटू और पिंकी नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ गायत्री उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वो एक दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। वो रोज अपने पति से पिंटू और पिंकी की शिकायतें करती ताकि वो उनसे नाराज हो जाए। अरे पिंटू के पापा, आपको पता है आज पिंटू और पिंकी पूरा दिन खेलते रहे और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे उल्टा जवाब भी दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगेश पिंटू और पिंकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उन्हें प्यार से समझाता कि वे अपनी माँ को परेशान न करें और उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका न दें। पिंटू और पिंकी भी पिता की बात मान अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करते, लेकिन वो तो किसी भी तरह बस उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया, लोग खाने को मोहताज हो गए। इस स्थिति में सौतेली माँ पिंटू और पिंकी से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लगा। एक रात वो अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में हम पिंटू और पिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते, हमें उन्हें जंगल में छोड़ाना चाहिए। ये सुनकर पिंटू और पिंकी का पिता उदास हो गया और बोला, वो नन्हे बच्चे, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कुछ तो उन पर दया करो। मैं कुछ नहीं जानती, इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करेंगे। मेरी बात मान लो, हम कल उन दोनों को जंगल में जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मार कर पिंटू और पिंकी के पिता ने मान लिया। इन दोनों की बातें पिंटू ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था। वो तुरंत घर के आंगन में गया और वहाँ कोने में रखे डिब्बे से अपने कुछ कंचे अपने पास रख लिए। अगली सुबह सौतेली माँ उनसे बोली, पिंटू और पिंकी, हम लोग लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। पिंटू और पिंकी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। पिंटू ने अपने कंचे अपनी पैंट की जेब में रख लिए, फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, पिंटू और पिंकी तुम लोग यहीं रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियाँ काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा, फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। पिंटू और पिंकी वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। पिंकी डर के मारे रोने लगी। तब पिंटू उसे दिलासा देता हुआ बोला, पिंकी डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद वो अपने द्वारा रास्ते में डाले गए कंचों को देखता हुआ पिंकी के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो बोला, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा से मैं तुम लोगों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। पिंटू और पिंकी को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वो दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया तो वो पिंटू और पिंकी के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। पिंटू अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे कंचे उठाने का मौका नहीं मिल पाया। वो भागकर रसोई घर गया और वहाँ से चावल के दाने अपनी जेब में डाल लिए। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। पिंटू इस बार चावल के कुछ दाने रास्ते में डालता गया। जंगल पहुँचने के बाद सौतेली माँ उन्हें पेड़ के नीचे बैठा कर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठ कर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। पिंटू और पिंकी वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई।
पिंकी डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, पिंटू अब क्या होगा, हम घर कैसे जाएंगे, जंगल में तो हमें जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। पिंकी हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा, मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में चावल के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुँच जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वे घर के लिए निकले, लेकिन पिंटू ने जो चावल के दाने रास्ते में डाले थे वे चिड़िया और गिलहरी खा गई थी। इस कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वो एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें एक खूबसूरत चॉकलेट घर दिखाई पड़ा। वो घर ब्रेड, केक, चॉकलेट और मिठाइयों से बना हुआ था। उसमें ढेर सारी कैंडी और चॉकलेट टॉफी भी लगी हुई थी। दोनों की भूख जाग गई। दोनों उस घर के पास गए और चॉकलेट, केक वगैरह वगैरह खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसे देखकर पिंटू और पिंकी डर गए। डरो नहीं बच्चों, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर पिंटू और पिंकी बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वे जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? ये सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मार कर खाया करती थी। ब्रेड, केक, मिठाइयों वाला घर उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। उसने पिंटू को एक पिंजरे में कैद कर लिया और बोली, लड़के तू इस पिंजरे में बंद रहे, जब मोटा ताजा हो जाएगा तब तुझे खाऊंगी। पिंकी को उसने घर के काम में लगा दिया। पिंटू और पिंकी डर में जीने लगे। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल पिंकी से बोली, आज एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करो, मैं उसमें पिंटू का सूप बना कर पीऊंगी। पिंकी डर गई। उसने ये बात जाकर पिंटू को बताई तो उसे वहाँ से बाहर निकलने का एक उपाय सूझ गया। उसने वो उपाय पिंकी के कान में बता दिया। फिर पिंकी एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और पिंकी से पूछने लगी, पानी गर्म हो गया क्या? मैं इतनी छोटी सी हूँ और ये बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांक कर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना, बूढ़ी चुड़ैल बोली। ठीक है, और एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से पिंकी ने उसे गर्म पानी के बर्तन में धक्का दे दिया। हाय हाय, जल गई, मर गई, बचाओ बचाओ। गर्म पानी में जलकर चुड़ैल मर गई। पिंकी ने पिंटू को आजाद कर दिया। पिंटू पिंकी से बोला, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। भाई मैंने यहाँ एक मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे हैं, क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चलें? इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के और हीरे जवाहरात एक थैले में डालकर घर से बाहर निकल गए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए वे किसी तरह शाम ढले अपने घर पहुँच। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। वे जब पिता के पास पहुँचे तो उन्हें देखकर पिता रो पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, मुझे बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। पिंटू और पिंकी ने अपने साथ घटी घटना पिता को बताई और उसे सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरातों की थैली दी। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे।